फ्रेंड्स वेलकम टू टू लेक्चर ऑफ टाइप ऑफ स्टीम ट्रैप्स फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम अलग अलग तरीके के स्टीम ट्रैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जैसा कि आप सबने देखा होगा कि स्टीम ट्रैप्स आपके इंडस्ट्री में जगह जगह यूज होते हैं और हर जगह अलग अलग वैरायटी के होते हैं तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि कौन सा स्टीम ट्रैप कहाँ पर यूज किया जाता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है सो so फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड से, से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वाई स्टीम टैप्स आर यूज कि फ्रेंड्स स्टीम टैप की जरूरत क्या होती है आखिर स्टीम टैप्स क्यों यूज किए जाते हैं सो फ्रेंड्स याद रखिए जब भी हम किसी रिएक्टर की जैकेट में स्टीम डालते हैं तो स्टीम के अंदर हमारी लेटेंट हीट होती है हमारा मेन टारगेट रहता है कि जो भी हमारा जैकेट के बाहर निकले वो आपका खाली कंडेंसेट निकलना चाहिए कभी भी आपकी स्टीम नहीं जानी चाहिए मान लीजिए आप कोई सिस्टम है उसे आप बिना स्टीम टैप के चलाइए तो जो भी स्टीम आपकी जैकेट में आ रही है उसकी एनर्जी को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे और वो आपका जैकेट को छोड़ के ड्रेन में निकल जाएगी सो फ्रेंड्स स्टीम की लेटेंट हीट को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ये पहला पॉइंट गौर से देखिए स्टीम की लेटेंट हीट को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हम स्टीम टैप का यूज करते हैं ताकि जो भी हमारा रिएक्टर के जैकेट से डिस्चार्ज हो वो केवल और केवल कंडेंसेट होना चाहिए थोड़ा भी लाइव स्ट्रीम नहीं जानी चाहिए अदरवाइज वो बहुत बड़ा एनर्जी लॉस है अगर आप कहीं पे ऐसा देखते हैं कि किसी ट्रैप से आपकी लाइव स्टीम निकल रही है तो वो गलत है लाइव स्टीम आपकी कभी नहीं जानी चाहिए स्टीम ट्रैप्स आर बेसिकली मेड टू तो यूज ऑल द लेट एंड हीट एसोसिएटेड विदीम डिस्चार्ज में केवल और केवल, केवल कंडेंसेट वाटर ही जाना चाहिए फ्रेंड सिमिलरली सेकेंड पॉइंट कंडेंसेट रिमूवल फ्रॉम द पाइप पाइप के अंदर स्टीम आपकी मूव करती है तो एनर्जी लॉसेज होते हैं कंडेंसेट जमा होने के चांस रहते हैं अगर आप कंडेंसेट रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा आपके पाइप के अंदर पानी भर जाएगा जिसकी वजह से आपका स्टीम को पाथ ही नहीं मिलेगी आगे मूव करने के लिए सो so, रिमूवल के लिए भी स्टीम टैप्स यूज किए जाते हैं थर्ड पैंट कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस अगर मान लीजिए हमारा पाइपलाइन के अंदर कुछ एयर या फिर नॉन कंडेंसेबल गैसेस ट्रैप है तो उनको भी रिमूव करने का काम बेसिकली हम स्टीम ट्रैप से ही करते हैं अदरवाइज वो फ्लो में हमें प्रॉब्लम देंगे थर्ड चीज ये सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड है कंडेंसेट इन फ्रॉम द पाइप अगर हम कंडेंसेट नहीं रिमूव करेंगे पाइप से तो आपकी स्टीम जो आएगी उस स्टीम को आगे की तरफ पाथवे नहीं मिलेगा स्टीम आगे जाना चाहेगी बट आगे पानी भरा रहेगा तो क्या है पूरी की पूरी लाइन में हैमरिंग होगी जोर जोर से लाइन में हैमरिंग होने से फ्रेंड्स इधर गैसकेट से लीकेजेज होने के चांसेस रहते हैं या फिर आप हो सकता है कि आपका पाइप भी डैमेज हो सकता है थर्ड फ्रेंड अगर आपकी लाइन में कंडेंसेट जमा है तो आपके क्रोजन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आपकी लाइन में कंडेंसेट जमा है और आप उसको ड्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका जो हीट ट्रांसफर है वो भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा सो so फ्रेंड्स याद रखिए स्टीम टैप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइन से कंडेंसेट रिमूव करना और आपका जो भी लेट एंड आपकी स्टीम के साथ में यूटिलाइज स्टीम के साथ में प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करना और जो डिस्चार्ज में जाए वो खाली कंडेंसेट को ही निकालना यही हमारा टारगेट रहता है लाइन को हमारी कोरोजन वाटर हैमरिंग इन सबसे प्रिवेंट करना सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं वर्किंग एंड टाइप्स ऑफ स्टीम ट्रैप्स फ्रेंड्स अगर हम वर्किंग की बात करें तो ये सेल्फ कंटेन वॉल्व होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑपरेट करते रहते हैं और बार बार कंडेंसेट को ड्रेन करते रहते हैं ये जो वॉल्व रहते हैं ये लाइव स्टीम को कभी भी अपने से जाने नहीं देते जब भी जाएगा इनके थ्रो तो कंडेंसेट ही जाएगा और फ्रेंड्स ये नॉन कंडेन्सेबल गैसेज जो भी रहती हैं उनको भी अपने से रिलीज करते रहते हैं सो फ्रेंड्स वर्किंग की अगर हम बात करें तो दोबारा सुनिए ये बेसिकली हमारे वॉल्व रहते हैं जो सेल्फ ऑपरेटेड वॉल्स रहते हैं ये ऑटो में आपके ऑपरेट होते रहते हैं बार बार ये आपका कंडेंसेट ड्रेन करेंगे लेकिन लाइव स्टीम को पास नहीं होने देंगे कंडेंसेट और नॉन कन्जेंटेबल नॉन कंडबल गैसेस को ये अपने से ड्रेन होने देते हैं अब फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं टाइप की तो फ्रेंड्स ट्रैप्स स्टीम ट्रैप्स को बेसिकली दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं एक रहता है आपका डेंसिटी ऑपरेटेड एक रहता है आपका टेम्परेचर ऑपरेटेड डेंसिटी ऑपरेटेड में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं बॉल फ्लो टाइप और सेकेंड इज इन्वर्टेड बकेट टाइप अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑपरेटेड सो फ्रेंड्स टेम्परेचर ऑपरेटेड में मेरे दो टाइप्स होते हैं थर्मोस्टैटिक टाइप और थर्मोडाइनेमिक टाइप थर्मोस्टैटिक को हम दोबारा दो तरीके में क्लासिफाई करते हैं बाई मैके टाइप और लिक्विड एक्सपेंशन टाइप फ्रेंड्स आगे की स्लाइड्स में मैं आपको एक एक जो स्टीम टैप है उसकी वर्किंग के बारे में काफी डिटेल में समझाने वाला हूं सो so, प्लीज अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके अंडरस्टैंड कीजिएगा फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टेड बकेट फ्रेंड्स इसके इसकी वर्किंग समझने के लिए आप इस डायग्राम को गौर से देखिए ये आपकी स्टीम है जो आपका ये देखिए ये स्टीम दिखाया गया है आपका पिंक कलर से देखिए फ्रेंड्स जब आपकी स्टीम आती है तब ये आपका जो है ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है वॉल्व और जैसे ही आपका स्टीम कम हो गई अंदर कंडेट भरा हुआ है तो ये वॉल्व देखिए आपका नीचे की तरफ डाउन होता चला जाएगा और आपका ये जो डिस्चार्ज वाला वॉल्व है ये खुल जाएगा और बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा अब फ्रेंड्स फ्रेंड्स समझिए ऐसा क्यों होता है है जब आपकी इसके अंदर स्टीम आ रही है, तो स्टीम की बायोन फोर्स की वजह से ये जो आपकी बकेट है ये बकेट ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी जिसकी वजह से ये जो वॉल्व है ये देखिए ये वॉल्व फ्रेंड ये वॉल्व आपका बिल्कुल बंद हो गया अब फ्रेंड क्या होगा स्टीम आपकी धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगी और स्टीम कंडेंस होगी जब फ्रेंड्स आपकी स्टीम कंडेंस होगी तो यहां से लगने वाली जो बायोट फोर्स है नीचे से लगने वाली ये फोर्स आपकी कम हो जाएगी बट ऊपर से जो लगने वाली बायोट फोर्स है कंडेंसेट की वजह से वो फोर्स आपकी इंक्रीज कर जाएगी तो ये जो बकेट है ये अब नीचे की तरफ मूव करेगी और ये वॉल्व आपका ओपन हो जाएगा ये देखिए फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स होप आपको इन्वर्टेड बकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये बायोट फोर्स की वजह से इसमें मूवमेंट होता है जब आपका स्टीम आएगी तो इसके बाइंड फोर्स की वजह से ये वॉल ऊपर की तरफ ये देखिए ये बकेट मूव होगी और ये वॉल बंद हो जाएगा फिर जब स्टीम आपकी कंडेंस होगी तो ऊपर से लगने वाली जो फोर्स है जो प्रेशर है पानी की वजह से वो प्रेशर स्टीम के बायोन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और आपका आउटलेट वॉल्व खुल जाएगा कुछ याद रखने वाली बातें इन्वर्टेड बकेट केस में फ्रेंड्स इट कैन विद स्टैंड हाई प्रेशर ये हाई प्रेशर में इजिली काम करता है गुड टॉलरेंस टू वॉटर हैंडलिंग अगर आपकी वाटर हैंडिंग हो रही है लाइन में तो ये इसको भी इजिली टॉयलेट कर सकता है इट कैन बी यूज इन सुपर हीटेड स्टीम लाइन्स फ्रेंड्स हम इसको सुपर हीटेड स्टीम की लाइन्स में भी यूज कर सकते हैं इसका जो फेलियर मोड है ये ओपन सेफ टू यूज है अगर कभी ये फेल कर जाता है तो ये हमेशा ओपन कंडीशन में रहेगा मीन्स ये स्टीम को अपने आप से रिलीज करता रहेगा लाइन को पेसाइज नहीं होने देगा स्टीम या कंडेंसेट को ये अपने आप से कॉन्टीन्यूसली रिलीज करता रहेगा इसका डिसएडवांटेज फ्रेंड्स ये रहता है कि ये स्लो डिस्चार्ज एयर का करता है ये इसका एक इकलौता डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो भी हमारी पाइपलाइन के अंदर एंड टैप डेयर है इसको काफी स्लो रेट से रिलीज करता है ये केवल एक इसका एक डिसएडवांटेज है सो फ्रेंड्स होप आपको बकेट टाइप स्टीम ट्रैप का concept बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हैं फ्लो टाइप वॉल्व की फ्रेंड्स अगर हम फ्लो टाइप वॉल्व का ऑपरेशन देखें तो आप ये देखिए यहां पे जब आपकी स्टीम आ रही है तो आपका ये जो बॉल है ये बॉल नीचे की तरफ पैस रहेगी स्टीम के फोर्स की वजह से जैसे ही स्टीम कंडेंस हुई आपका पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा वो वॉल को ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहाँ से आपका कंडेंसेट बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा फ्रेंड्स दोबारा देखिए अभी आपकी स्टीम आई स्टीम का प्रेशर ज्यादा है वॉल नीचे की तरफ मूव किया वॉल्व और यहाँ से डिस्चार्ज पोर्ट अभी बंद है जैसे ही आपका स्टीम कंडेंस हुई कंडेंस होने की वजह से पानी नीचे ज्यादा हुआ तो पानी का प्रेशर स्टीम के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा ये वॉल को ऊपर की तरफ मूव होने देगा और यहाँ से आपका कंडेंसेट रिलीज हो जाएगा सो so फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं फ्लोट टाइप की तो इसका मेन एडवांटेज ये रहता है कि ये कॉन्टिन्यूसली आपका जो है वो डिस्चार्ज करता रहता है इसमें जो डिस्चार्ज रहता है वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप से कंडेंसेट रिलीज करता रहता है सेकेंड एडवांटेज फ्रेंड इसका यह रहता है कि ये हैवी और लाइट कंडेंसेट लोड्स दोनों को इजिली हैंडल कर लेता है थर्ड फ्रेंड्स इसका एडवांटेज ये रहता है ये वाटर हैमरिंग को इजिली रेजिस्टेंट कर देता है वाटर हैमरिंग का ज्यादा इंपैक्ट इस वॉल्व के ऊपर नहीं आता है अगर आपके पाइप में कहीं जमा कहीं पानी जमा है या तो मेजर इंपैक्ट नहीं आता है, है, मतलब बार बार है लाइन में तो इन दैस डैमेज हो सकता है।, फ्रीजिंग आपका क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ मान लीजिए आपको कोई लाइन बार बार चालू या बंद करनी पड़ रही है स्टीम के कंडेंसेट स्टीम की तो कई बार ऐसे चांसेस रहते हैं कि स्टीम आपके अंदर ट्रैप रह जाए लाइन के अंदर तो वो जो ट्रैप स्टीम है वो क्या है वो आपकी कंडेंस होगी और वो मतलब स्टीम आपकी

फ्रेंड थर्मोजेनमिक टाइप स्टीम ट्रैप को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि फ्लैश स्टीम क्या होती है बिकॉज इसकी जो वर्किंग रहती है वो बेसिकली फ्लैश स्टीम पे ही डिपेंड करती है सो फ्रेंड्स फ्लैश स्टीम बेसिकली जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कंडेंसेट को हम एकदम से लो प्रेशर रीजन में लेके आते हैं जैसा कि स्टीम ट्रैप के अंदर होता है तो आपकी जो स्टीम जनरेट होती है उसको बेसिकली हम फ्लैश स्टीम बोलते हैं फ्रेंड्स दोबारा याद रखिए बिल्कुल दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडेंसेट को अगर एकदम से हम लो प्रेशर जोन में लाते हैं तो जो स्टीम जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैश स्टीम फ्रेंड्स इस केस में आप देखिए ये मेरा कंडेंसेट आ रहा है ये कंडेंसेट मेरा ये स्टेनर लगा हुआ है ये कंडेंसेट मेरा यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया सो so फ्रेंड्स जैसे ही ये कंडेंसेट मेरा यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया इसका सडन प्रेशर ड्रॉप हुआ प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से फ्रेंड क्या होगा आपका ये फ्लैश स्टीम बनाएगा तो ये देखिए फ्रेंड्स फ्लैश स्टीम अभी ये देखिए ये देखिए ये जो स्टीम ऊपर की तरफ मूव कर रही है ये बेसिकली आपकी फ्लैश स्टीम है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडेंसेट का जैसे ही प्रेशर आपका ड्रॉप हुआ ये देखिये फ्लैश स्टीम रही ये फ्लैश स्टीम ऊपर की तरफ जैसे ही गई इसने फ्रेंड्स इस डिस्क को नीचे की तरफ पुश कर दिया जिसकी वजह से आपका ये जो वॉल्व है ये इस डिस्क आके नीचे की तरफ बैठ गई और आपका वॉल्व पूरा बंद हो गया फ्रेंड्स याद रखिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडेंसेट ये मेरा जा रहा है ऊपर की तरफ मैं दोबारा समझा रहा हूँ ऊपर की तरफ जा रहा है

अपने प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ मूव करती है सो so, जैसे ही आपका ऊपर ज्यादा हो गया फ्लैश स्टीम आपकी सफिसियंट अमाउंट में हो गई उसने जिसको नीचे की तरफ मूव किया और वॉल बंद हो गया यह वॉल दोबारा कब ओपन होगा जब आपके ऊपर जो जोश स्टीम है वो कन्डेंस हो जाएगी और उसका प्रेशर कम हो जाएगा और आपका अंदर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये वॉल्व आपका दोबारा ऑपरेट हो जाएगा और ये साइकिल कॉन्टीन्यूसली आपकी रिपीट होती रहती है फ्रेंड्स बार बार चालू होगा बंद होगा ये कॉन्टिन्यूस साइकिल है ये चलती ही रहती है फ्रेंड्स थर्मोजेनमिक ट्रैप का एडवांटेज ये रहता है कि इसकी जो एबिलिटी रहती है ये ऑपरेट कर सकता है एक एंटायर वाइड रेंज में काफ़ी बड़े रेंज में ये ऑपरेट कर सकता है सेकेंड ये काफ़ी छोटे साइज़ के रहते हैं और इसकी जो कंडेंसेट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है थर्ड वन फ्रेंड्स ये हाई प्रेशर और सुपर हीटेज स्टीम की लाइंस में यूज किए जाते हैं फोर्थ वन ये बेसिकली डैमेज नहीं होते हैं अगर आपका फ्रीजिंग हो जाती है तो भी ये डैमेज नहीं होता है फ्रेंड अब डिसएडवांटेज इसका एक रहता है कि इस डिस्क के अक्रॉस जो डीपी है अगर वो काफी कम मिलेगा तो ये आपका प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं करेगा बिकॉज इसका जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है वो डीपी पे ही है उसके हिसाब से ही ये डिस्क आपके ऊपर नीचे मूव करती है सो फ्रेंड्स होप आपको थर्मोडाइनेमिक ट्रैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैश स्टीम का कॉन्सेप्ट समझना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडेंसेट कभी भी एकदम से लो प्रेशर जोन में जाता है तो जो स्टीम वो जनरेट करता है उसको बेसिकली फ्लैश स्टीम बोलते हैं हमारे केस में ये फ्लैश स्टीम ही ऊपर जाती है जिस जो जिस फ्लैश स्टीम की वजह से ये डिस्क नीचे को मूव होती है और ये वॉल मेरा क्लोज होता है जैसे ही वो फ्लैश सिस्टीम मेरी कंडेंस हो जाएगी नीचे से प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ये वॉल मेरा दोबारा ओपन हो जाता है सो फ्रेंड्स होप आपको थर्मोडायनेमिक ट्रैप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं थर्मोस्टैटिक टाइप स्टीम ट्रैप की सो so फ्रेंड्स थर्मोस्टैटिक थर्मोस्टैटिक टाइप स्टीम ट्रैप में बेसिकली आपका क्या रहता है ये देखिए आपकी यहाँ से आपका कंडेंसेट आ रहा है तो जैसे ही आपका हाई टेम्परेचर कंडेंसेट आएगा तो ये क्या करेगा अंदर ये पूरा का पूरा आपका ये मेटल की डिस्क है ये डिस्क आपकी हीटअप होगी और हीटअप होने की वजह से ये क्या है ये इस वॉल्व को आगे की तरफ मूव करेगी और ये जो वॉल्व है ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा और थाली कंडेंसेट बाहर की तरफ जाता रहेगा सो so फ्रेंड्स ये बेसिकली टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है ये क्या करता है ये टेम्परेचर सेंस करता है जब यहाँ पे हायर टेम्परेचर होगा तो ये अपने आप वॉल्व देखिए बिकॉज ये आपका एक्सपेंड करता है जिसकी वजह से ये वॉल्व आपका बंद हो जाता है सो so फ्रेंड्स ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है ये ये देखिए फ्रेंड्स ये आपके इनलेट मटेरियल की टेम्परेचर को सेंस करेगा अगर काफी हीट अप कंडेंसेट आ रहा है तो ये उसके टेम्परेचर को सेंस करते हुए ये आपका एक्सपेंड करेगा ये जो अंदर का टेम ये रहता है आपका ये आपका पूरा का पूरा एक्सपेंड करता है जैसे ये एक्सपेंड करेगा ये इस वॉल्व को क्लोज कर देगा और आपका जो कंडेंसेट है खाली कंडेंसेट बाहर की तरफ रिलीज होगा सो फ्रेंड्स थर्मोस्टेटिक के बारे में जानने वाली चीजें स्मॉल लाइट एंड हाई लार्जर कैपेसिटी फॉर साइज ये स्मॉल साइज का रहता है इसकी कैपेसिटी काफी लार्ज रहती है ये फुली ओपन रहता है ऑन स्टार्टअप ये स्टार्टअप के टाइम ये देखिए ये जब स्टार्ट होता है उस टाइम ये पूरा खुला हुआ रहता है सो so, इस केस में मैक्सिमम कंडेंसेट रिमूवल मेरे को मिलता है फैन ये मेरा स्टार्टअप के टाइम में पूरे तरीके से ओपन रहता है जिसकी वजह से मेरे को कंडेंसेट रिमूवल मैक्सिमम मिलता है जब मेरे को जरूरत होती है जब मेरा लोड भी मैक्सिमम होता है थर्ड वन अनलाइकली फॉर फ्रीजिंग टू टेक्स प्लेस इसके केस में फ्रीजिंग होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं इसका जो मेंटेनेंस रहता है वो काफी ज्यादा सिंपल रहता है फ्रेंड्स अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अप्लीकेशन केस पर वाटर इज लॉगिंग अगर कहीं पर कोई आपका ऐसा केस है जहां पर कॉन्टिन्यूस पानी जमा होने के चांसेस रहते हैं तो इन दैट केस में हम थर्मोस्टेटिक ट्रैप कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन ट्रैक हम कभी भी friends, इसके में क्या रहता है अच्छे से देखिए आपका इधर से आपका जैसे ही आपका हॉट मटेरियल आया ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव है लाइक like जो पहला वाला बताया था थर्मोस्टैटिक वाला ये उसी के जैसे टेम्परेचर सेंसिटिव है जब यहां से काफी गर्म आपका मटेरियल आएगा या फिर गर्म पानी आएगा तो ये क्या करेगा ये डिस्क जो है ये एक्सपेंड कर जाएंगे जैसे ही ये डिस्क एक्सपेंड करेंगे आप ये देखिए अगले उसमें जैसे ही ये डिस्क आपकी एक्सपेंड की तो ये वॉल्व आपका ऊपर की तरफ ये जो पहले नीचे था ये वॉल्व आपका ऊपर की तरफ मूव किया और ये आपका डिस्चार्ज बंद हो गया और खाली कंडेंसेट जो है अंदर वो खाली कंडेंसेट आपका जो निकलना था वो निकल गया बाकी आपका पूरा का पूरा चैनल बंद हो गया सो फ्रेंड्स थर्मोस्टैटिक ट्रैप का एडवांटेज देखिए हैंडल ये जिस इतना ज्यादा कंडेंसेट लोड हैंडल करते हैं उसके हिसाब से इसका साइज जो है वो काफी कम रहता है अगर वाटर हैम्बरिंग होती है तो ये उससे काफी अच्छा इसका रेजिस्टेंस है इसका डिसएडवांटेज देखिए फ्रेंड्स अगर ये इसके लिए प्रेशर काफी क्रिटिकल रहता है ये किस प्रेशर पर ऑपरेट कर रहा है अगर इसको इसके ऑपरेटिंग प्रेसर से लोअर प्रेशर पर ऑपरेट करेंगे तो ये क्या करेगा लाइव स्ट्रीम बाहर छोड़ने लग जाएगा अगर इसको इसके साइड प्रेशर से हायर प्रेशर पे ऑपरेट करेंगे तो ये क्या है लाइन में कंडेंसिटी भरने लगेगा सो फ्रेंड्स बायोमेटेलिक टैप का आई थिंक थर्मोस्टेटिक टैप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा यहां से आपका ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है यहां से आपका हॉट वाटर आता है जैसे ही हॉट वाटर आएगा ये उसको सेंस करेगा और ये एक्सपेंड करेगा और इस वॉल को क्लोज कर देगा फिर जैसे ही आपका पानी ठंडा होगा उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ये दोबारा सिकुड़ जाएगा और इसका ये वॉल्व दोबारा ओपन हो जाएगा सो so फ्रेंड्स ये ओपन पोजीशन है जैसे ही आपका पानी आने लगा ये देखिए इसने इसको सेंस किया ये आपका गर्म हुआ और ये वॉल्व आपका क्लोज हो गया सो फ्रेंड्स होप आपको थर्मोस्टेटिक टाइप बायोमेटेलिक ट्रैप का वर्किंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सेलेक्शन ऑफ स्टीम ट्रैप फ्रेंड्स याद रखिए अगर स्टीम मेन्स की लाइन है तो उसमें बेसिकली हम थर्मोडाइनमिक जो ट्रैप है उसको प्रेफर करते हैं अगर हमारा कोई भी इक्विपमेंट है लाइक रिबॉलर हीटर ड्रायर हीट एक्सचेंजर तो इस केस में हमारी जो फर्स्ट प्योरिटी रहती है ये एज अ ए रूल आप याद कर सकते हो हम इन्वर्टेड बकेट या फिर फ्लो टाइप प्रेफर करते हैं अगर कोई भी ट्रेसिंग है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है तो उसमें हम थर्मोजाइनमिक और बायोमेटेलिक स्टीम टैप्स प्रेफर करते हैं फ्रेंड्स दोबारा याद कीजिए स्टीम टैप की लाइंस में जो प्रेफर किया जाता है वो होता है थर्मोजाइनमिक टाइप इक्विपमेंट्स लाइक रिबॉलर हीटर ड्रायर और हीट एक्सचेंजेस में जो प्रेफर करते हैं वो होता है इन्वर्टेड बकेट या फिर फ्लोट टाइप प्रेशर लाइंस में जो प्रेफर किया जाता है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में वो होता है थर्मोजाइनेमिक और बायोमेटेलिक टाइप सो फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा सो so अगर आपको मेरे लेक्चर से लर्निंग मिलती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो ट्रांसमीटर्स के बारे में So oh, friends, till then, goodbye, have a nice day.